सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है, संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैरकानूनी इलीगल है, उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैरकानूनी है और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है, वो उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के वो अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हीप कौन है? प्रभु है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैरकानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? बरोबर है, लवकरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या डॉक्टर आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची हत्या करू शकत नाही। नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने राजीनामा द्यायला पाहिजे। तुका टाळ्या वाजवत बसू नये। राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका बेकायदेशीर आहे। सर, आपने जो पॉइंट रखा है, अरे सोडा, कायम बेम कसला आहे, गेलं ते सरकार। ये बात सही है, कानूनन मुद्दा है कि उसका ही मतलब है अभी की सरकार गैरकानूनी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर उद्धव जी ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया है, इस्तीफा नहीं देते, तो आज हम उस स्थिति में होते कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर एक बार स्थापित करते। उसका मतलब है जिस तरह से सरकार नई सरकार बनाई ये पूरी तरह से गैरकानूनी है और संविधान के खिलाफ बनी है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि शिवसेना किसी गुट की नहीं हो सकती, ओरिजिनल पार्टी है उनके पास रहेगी। मैं मानता हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं। All right, Sanjay Rao, they're claiming moral victory in this matter today since the Supreme Court has raised serious questions about the manner in which the then governor, Bhagat Singh Koshyari, in fact, had asked for a floor test. In fact, the court says that he had no objective material to believe that Uddhav Thackeray had lost the confidence of the House, that the governor was wrong to conclude that Thackeray had lost majority, and that floor test cannot be used as a means to resolve intra-party or inter-party issues, and discontentment within MLAs is certainly not enough for the governor to call for a no-confidence motion.